हर एक की लाइफ में कोई ना कोई गोल होता है कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में मुझे ये करना ही करना है। अगर वो गोल ही नहीं है तब तो फिर तो यहाँ पर भी आप टाइम पास करने ही आए हो। हाँ, बाहर बाद में छोला पूड़ी मिलेगा, खा करके जाना। मजाक करो, वो भी नहीं मिलेगा। कुछ लोगों की शक्ल उतर गई यार। जो भी आपका गोल है कि मेरे को अगले 3 साल में, 5 साल में ये करना है, तो ऐसा कैसे हो कि हमारा माइंड उस गोल पे फिक्स हो जाए। हमने काम को करना शुरू किया, कुछ दिन तक किया, जो सोच करके किया था कि हाँ 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, उसका 1% भी रिजल्ट नहीं आया, या फिर माइंड में ही कुछ और आ गया, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। पता लगा जब आपने काम करना शुरू किया था उस गोल के ऊपर, तब आपकी एक रिलेशनशिप थी किसी के साथ में पिछले कुछ सालों से, वो एकदम से खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। उसके बाद सिर्फ दारू आपकी अपनी रह गई। मतलब क्या हुआ, हम गोल से हट गए पूरी तरह से। तो क्यों हटते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा, बट द पॉइंट इज, ऐसा कैसे हो कि हम जो भी हमारा गोल है उस पर पूरी तरह से फोकस्ड रहे। इनफैक्ट मजेदार बात क्या है कि आज सुबह सुबह जब मैं बैडमिंटन खेल रहा था तो कुछ ऐसी ही एक इंसाइट आई थी मेरे अंदर। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे मैं गेम जीत रहा था मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा होता है या नहीं होता? यानी जब हमारे हिसाब से कुछ हो रहा होता है लाइफ में, तब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे होते हैं, तब हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं, और जब हम हार रहे होते हैं तो हमारी जो नेचुरल गेम होती है उससे लेवल बहुत नीचे हो जाता है। धीरे धीरे गेम ही छूटने लग जाती है, गेम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, खेलने का ही मन नहीं करता है। तो सॉल्यूशन जो है वो है कि कैसे हम अपने गोल की तरफ काम करते रहे, चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, करते रहे, उसको छोड़े ना। मतलब कुछ भी हमको अचीव करना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हम नेचुरली खेल रहे होते हैं तो हम एक फ्लो में होते हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। चाहे हम वहां पर जीत रहे हैं, हार रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हम नेचुरली खेल रहे हैं। नेचुरल को आप एक और वर्ड यहां पर यूज कर सकते हो, एफर्टलेस। यहां पर कोई एफर्ट नहीं होता है। जब हमारी गेम नेचुरल से नीचे गिर जाती है तो एफर्ट होता है उसको उठाने का, जब बहुत ऊपर चली जाती है तो एफर्ट होता है उसको बनाए रखने का। तो एफर्ट ना हो, एफर्टलेस हो जाए, इसको आप कह सकते हो एफर्टलेस एफर्ट, कि काम सारे हो रहे हो लेकिन एफर्ट ना लग रहा हो। यही लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए, या लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि बहुत एफर्ट लगा लगा करके आपको काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो काम ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता है। ऐसा अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया जिसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो क्या प्रैक्टिकल है उसको अचीव करना? एक है जिसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आउटपुट उससे ज्यादा आ रहा है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल, फिटनेस तो हमको चाहिए ही ना, जैसे पैसा चाहिए ही। तो दो तरीके हैं फिटनेस को अचीव करने के। एक ये है कि कोई ऐसा काम जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जिम, वहां पर मैं जाऊं और अपने आप को पुश करता रहूं और पूरी कोशिश करूं उसको अचीव करने की। वहां पे एफर्ट बहुत लगने वाला है लेकिन रिजल्ट आने के चांसेस, जो भी मेरा गोल है 1 साल में, जो भी फिटनेस गोल है उसको अचीव करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा क्या है जो मैंने भी आपको बताया, बैडमिंटन। डेली 1 घंटा बैडमिंटन खेलता हूं, वहां पे एफर्ट क्या है, रिजल्ट कितना है, उससे ज्यादा ही है। क्योंकि जिम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो जब जिम से आऊंगा तो मैं थका हूंगा, पूरे दिन के लिए थकान थकान सी होगी, क्योंकि उसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं, जबरदस्ती करना पड़ रहा है फिटनेस के लिए। तो ऐसे ही जबरदस्ती कोई काम करना पड़ रहा है पैसे के लिए, क्यों? क्योंकि सब वही काम कर रहे हैं। ये जो फंडा हमने फिटनेस में लगाया, क्या इसको पैसे में नहीं लगा सकते? पैसा कमाने का क्या एक ही तरीका है दुनिया में, जिस तरह से सब कमा रहे हैं? मतलब अगर सारे जिम जा रहे हैं तो मुझे भी जिम जाना चाहिए, मुझे वही करना चाहिए ना जो मेरा पैशन है, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट है। हम क्या कर रहे हैं कि गोल सेट करने से पहले क्या करना चाहिए उसकी भी बात कर रहे हैं यहां पर। सिर्फ ये नहीं कि गोल को अचीव कैसे करना है, क्योंकि अगर मेरा गोल फिटनेस है अगले 1 साल में और अगर मैं जिम के थ्रू अचीव करता हूं, तो मैं चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लूं, कितना भी अपने अंदर से जोर लगा लूं, कितना भी कुछ भी कर लूं, वो रिजल्ट नहीं आ सकता जो यहां से आ जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा बोरिंग लगता है। आई एम नॉट इंटरेस्ट, किसी और के लिए हो सकता है इंटरेस्ट, मेरे लिए नहीं। ऐसे ही ये जो पैसे से रिलेटेड आपके जो गोल्स हैं, तो गोल सेट करने से पहले अपने आप से पूछो कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो करना पड़ेगा, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, या गोल अचीव होने के बाद जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है।
दोनों में बड़ा फर्क है। वहां एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा और रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आप टूट जाओगे, या तो उस काम को छोड़ दोगे या अपना एफर्ट लगाना बंद कर दोगे या नेचुरली वहां पे आप नहीं कर पाओगे। जब भी कुछ भी अननेचुरल होता है तो उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते। जैसे हमारा एक नेचुरल ब्रीदिंग का पैटर्न है, उसमें कोई एफर्ट की जरूरत है? नेचुरली अपने आप चल रही है। बट अगर आपको बोला जाए कि पूरे दिन इसी तरह से आपको ब्रीद करना है जैसे कछुआ करता है, कछुए के बारे में पता है आपको? एक मिनट में कितनी ब्रेथ्स लेता है? हम एक मिनट में कितनी ब्रेथ लेते हैं? 70 से 74 एक मिनट में? अरे नहीं यार, 70-74 तो कुत्ता भी नहीं लेता होगा। जस्ट थिंकिंग, मतलब कुत्ता कितनी बार लेता होगा एक मिनट में? कोई कुत्ता नहीं है यहाँ पे, बोलो अपने एक्सपीरियंस से बोलो। हाथ नीचे आ गया था। कुत्ता नहीं है, ऐसी हाइपोथेटिकल कुछ पकड़ लेते हैं, मान लो 30 बार हाफ ऑफ हार्ट बीट। तो कुत्ते की हार्ट बीट क्या है? आप इंसान की बात कर रहे हो, मैं भी कुत्ते पे हूँ। कुत्ते को नहीं छोड़ते एक मिनट, कुत्ता भी लाते हैं, इंसान भी लाते हैं, कछुआ भी लाते हैं, फिर देखते हैं। तो बड़ा मजेदार है, आप अज्यूम कर लेते हैं ना, कुत्ते का अजम्पशन ले लेते हैं 30, आपका ले लेते हैं, कुत्ते से सीधा आप पे आए, आपका ले लेते हैं मान लो 20, कछुए का होता है 4 से 5 6। अरे बड़ा ऑब्जर्व किया है कछुए को बैठ करके, हाँ देखा है, हाथ लगा करके उसके पास में आए। तो कछुए का हो गया 6, आपका हो गया नेचुरल जो है मान लो 20 या 17-18 वट एवर, चलो एक पकड़ लेते ना, 6, 18 और 30। अब आपको बोला जाए पूरे दिन आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा। क्या चाहिए? मुझे जॉब चाहिए जहां से मेरे को 1,00,000 रुपए महीने का आ जाए। ठीक है, आपको कुत्ते की तरह सांस लेनी होगी, मतलब एक मिनट में 18 बार नहीं 30 बार लेनी होगी। तो क्या होगा, सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है? या फिर कछुए की तरह ब्रीथ करना होगा, धीरे धीरे ब्रेथ लेनी होगी। अननेचुरल हो गया वो आपके लिए, तो आप एक्साइटेड तो हो जाओगे सुन करके, अगर आपको कोई बड़ा अमाउंट दिया जाए तो ठीक है ये करो, उसके बाद में 10,00,000 रुपए मिलेगा, मैं तैयार हूं, मैं करूंगा। कर पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपकी जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल जो कंपोजिशन है आपके बॉडी माइंड जो स्ट्रक्चर है, उसके थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, वहां फंस जाओगे। इसी तरह से पैसा कमाने के लिए जो भी करने वाले हो उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाएगा, बिल्कुल ही उससे अपोजिट है जो आपकी पर्सनैलिटी है तो फंस गए, फिर मेरी सारी बातें बेकार है। इसलिए मैं बातें कर रहा हूं क्योंकि बातें तभी काम की है जब ये पहला काम आपने ढंग से सोच समझ के चूज किया है।